अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यासिर जवेद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं देखने के लिए रियाद के करीब एक खूबसूरत सी लेक है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो फ़ौरन देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे ही आप हायर रोड से ले बर्ड लेक की तरफ आते हैं तो स्टार्ट में ये बना रहे हैं। लेक की तरफ हम जा रहे हैं और रास्ते में छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ आए हैं वो देख रहे हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। ये सामने लेक आ गई है, काफ़ी बड़ी और खूबसूरत है माशाल्लाह। लेक किनारे हम आ गए हैं, बड़ा ही खूबसूरत लेक है और डबल ट्रैक बना हुआ है लेक के साथ साथ। वॉक करने के लिए फैमिली काफ़ी इकट्ठी हुई है यहाँ पे और दरख्तों के साए के नीचे बैठे हुए हैं और बच्चों के साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आए हुए हैं। यहाँ बारबेक्यू करने की इजाज़त नहीं, लोग घरों से ही खाना लेकर आए हैं या रास्ते से, और यहाँ बैठ के खा रहे हैं और साथ में खूबसूरत नज़ारे ले रहे हैं लेक के। बहुत ही बड़ी लेक है, बड़ी प्यारी और पानी भी इस बिल्कुल साफ़ है। बड़ी अमेजिंग बात है कि रियाद में जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और इन रेगिस्तानों के दरमियान इस तरह की बड़ी लेक जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अपील करती है विज़िटर को यहाँ आने के लिए। काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। इनका नाम अब्दुल्ला है और यहाँ बड़े खुश हुए हैं यहाँ पहुँच के। नदी किनारे पर ट्रैक बना हुआ है वॉक करने के लिए और काफ़ी लंबे ये ट्रैक है और साथ में फैमिलीज बैठी हुई हैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये नदी के दूसरे किनारे पे हैं पहाड़ हैं मिट्टी के और मिट्टी होती है इनके अंदर, तो उनके ऊपर भी लोग हैं। ये किक्कर है, इसके फूल लगे हुए हैं। और जो ट्रैक है डबल ट्रैक है साथ साथ लेक के, उसके दरमियान ये बनाए गए हैं बैठने के लिए मुख्तलिफ पत्थर के स्टॉल बने हुए हैं समझ लें, ताकि अगर आप थक गए हैं यहाँ पे बैठें रेस्ट करें और इर्द गिर्द लोगों को देखें लेक को देखें खूबसूरत नज़ारे लें तो और रिलैक्स हों, बहुत अच्छा लग रहा है। बोर्ड लगा हुआ है इसके मुताबिक यहाँ फिशिंग करना और स्विमिंग करना अलाउ नहीं है। सामने वाशरूम बने हुए हैं, बाथरूम एक तरफ से मर्दों के लिए और दूसरी तरफ औरतों के लिए। बाथरूम काफ़ी साफ सुथरे हैं। और बाथरूम के साथ ये मसल्ले बने हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे पानी के अंदर मछलियाँ भी हैं, छोटी छोटी बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। क्लियर मछलियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके अंदर।
एक तरफ ये पहाड़ है और इसके दूसरी तरफ लेक है। गाड़ियों की पार्किंग राइट लेफ्ट दोनों साइड पर, लोग आ रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, फिर रश हो गया। थोड़ी देर पहले हम उस जगह पे थे नीचे, और यहाँ नीचे गाड़ियाँ आ रही, लेक है बहुत बड़ी, और उसके बाद अभी हम ऊपर आ गए। ऊपर से तो देखने का व्यू का और ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ी लेक है, और यहाँ पे और भी काफ़ी फैमिली हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर से ये लेक आ रही है, ये झील बनाई गई है। थोड़ी देर पहले हम इस जगह पे थे, तो नीचे जब जहाँ पे पानी की फॉल बनी हुई थी ये, और इस जगह पे था। ये इस तरफ लेक है, और साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी गहरी खाई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कंपैरेटिवली लेक के काफ़ी हाइट पे हैं इस वक्त हम, और लेक काफ़ी नीचे है। ये ऊपर का व्यू है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।